In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear student, cell biology के अंदर cell को study करने के लिए हम different technique use कर लेते हैं. For example, microscopy, tissue culture, electrophoresis, spectroscopy और centrifugation. Dear student, आज के lecture में हम cell की isolation और purification के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए हम एक बेसिक प्रोसेस यूज कर लेते हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से याद करते हैं. आज के लेक्चर में हम सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन और इन पर इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बात करेंगे. तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं. सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन पर आते हैं. सेंट्रीफ्यूज मशीन, centrifuge machine is a device that use centrifugal force to perform centrifugation, yeah, the process of centrifugation. Centrifuge machine, यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, उस पर बाद में बात करते हैं. Centrifuge machine एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर centrifugal force यूज होती है. किस चीज के लिए यूज होती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे हम प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन को परफॉर्म कर सके. अब यहां पर दो क्वेश्चन और अराइज कर लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सके कि इसको क्यों इसके लिए क्यों प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन रखा गया है, या मशीन को हम क्यों सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं. सो सेंट्रीफ्यूज फोर्स इज द एपेरेंट फोर्स. सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एपेरेंट फोर्स, एपेरेंट आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स अप्लाइड ऑन मास व्हेन इट इज रोटेटेड. अच्छा, फिजिक्स के सब्जेक्ट में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक जनरल एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि लेट सपोज ये एक सर्कल है, एक दायरा है, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एक शख्स एक स्ट्रिंग के साथ एक बाल को कनेक्ट करता है और उस बाल को उस सर्कल के अंदर रोटेट कर लेता है. ट्वाइलेट का लफ्ज भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. तो अब सेंट्रल पॉइंट से ये बाल सेम फासले पर जो है इस सर्कल के अंदर रोटेट करेगा. अब यहां पर अगर आप देखें तो ये बाल जो है ना अपने आप को आउटवर्ड खींचने की कोशिश करेगा और सेंटर पर जो शख्स खड़ा होता है वो इस बाल को अपनी तरफ खींचने
की कोशिश करेगा। दरमियान में एक फोर्स बिल्ड होती है जिसको हम किस नाम से याद कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर ज़रा आप सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरफ जाएं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में भी यहाँ पर सेंटर में एक राउटर मौजूद होती है, राउटर, ठीक है, और राउटर के इर्द गिर्द टेस्ट ट्यूब मौजूद होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब इस पोजीशन पर मौजूद होंगे, एक तो आपने ये याद रखना है कि इवन यानी जुफ्त हालत में होंगे, और ये सेम डिस्टेंस से इस राउटर के चार अतराफ रोटेट करेंगे। इवन हालत में हम इसको इसलिए लेते हैं, लेट सपोज अगर आप एक में अपना सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसके सामने वाला जो उसके बिल्कुल फिक्स सामने आता है, लेट सपोज इसके सामने ये आता है या इसके सामने ये आता है, तो बिल्कुल जो उसके फ्रंट पर आता है उसमें आपने इक्वल मिकदार में कोई और फ्लूइड वगैरह लेना होगा ताकि बैलेंस बराबर रहे, क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूज के अंदर बैलेंस बराबर ना रहे तो फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस दुरुस्त नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर भी राउटर और जो टेस्ट ट्यूब होते हैं चार अतराफ, इसके माबेन भी कौन सा फोर्स बिल्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्ड होता है, जिस तरह सर्कल में यहाँ पर मैंने आपको निशानदेही की, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रोसेस ऑफ क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन और जो मशीन है उसका नाम सेंट्रीफ्यूज मशीन रखा गया है। अच्छा, टाइमर और आरपीएम पर बाद में बात करते हैं। अब यहां पर हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूज मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन को परफॉर्म करती है। तो अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम अ फ्लूइड सॉल्यूशन या मिक्सचर वगैरह भी हो सकता है आपका फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू साइज डेंसिटी शेप विस्कोसिटी एटसेट्रा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिस मिक्सचर जिस फ्लूइड जिस सॉल्यूशन को हम जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम सेपरेट करना चाहे उसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज डेंसिटी शेप विस्कोसिटी वगैरह हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अब जरा तीनों को आपस में एक दफा फिर से जोड़ लेते हैं, फिर जनरल एग्जांपल की तरफ आगे जाते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन जो कि कौन से फोर्स को यूज करते हैं, प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज कर लेते हैं ताकि कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर सके, सेंट्रीफ्यूगेशन का। और सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस क्या है, ये एक फ्रिक्शनेशन प्रोसेस है, एक सेपरेशन प्रोसेस है, एक आइसोलेशन प्रोसेस है, जिसमें जो हमारा सॉल्यूशन होगा जो हमारा फ्लूइड होगा जो हमारा मिक्सचर होगा उसके अंदर जो डिफरेंट फ्रिक्शन होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स वगैरह होते हैं उस पार्ट्स वगैरह को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और ये सेपरेशन जो है ना आप डिफरेंट एंगल से कर सकते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज जिसामत की थ्रू डेंसिटी की थ्रू विस्कोसिटी की थ्रू या शेप की थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो सेंट्रीफ्यूगेशन के दो बेसिक टाइप है, अच्छा टाइप तक बढ़ने से पहले क्योंकि हम साइटोलॉजी के सेक्शन में सेंट्रीफ्यूगेशन को डिस्कस
करना चाहते हैं तो इन केस ऑफ साइटोलॉजी जो है ना, इन केस ऑफ साइटोलॉजी, फिर हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ साइटोलॉजी ऑफ जो हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट रीजन पर जो है ना हम सेंट्रीफ्यूगेशन को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम स्टडी ऑफ सेल कर लेते हैं तो फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की तारीफ इस तरह करते हैं कि टेक्निक यूज फॉर टेक्निक यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ योर टेक्निक यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ फ्यूअर सैंपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्या मतलब, जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वगैरह मौजूद होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम प्योर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आइसोलेट और सेपरेट कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक में सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमारा मुकम्मल फोकस इस सेंटेंस पर होगा कि हम किस तरह सेल के अंदर जो डिफरेंट फ्रैक्शन पार्ट्स ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उसको किस तरह एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। अब इस सेपरेशन की प्रोसेस के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक स्पेशल प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसके थ्रू होल प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन याद रखें, जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है हमारे पास, मैं एक ही वर्ड में प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन को कहूंगा, सेडिमेंटेशन पर डिपेंड करता है। सेडिमेंटेशन के लफ्जी माने है सेटल डाउन। अच्छा, इस पर बात में इस सेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह सेटल डाउन यानी सेडिमेंटेशन का वर्ड यूज होता है। लेकिन यहां पर दो बातें हमारे सामने आ सकती हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में लोवेस्ट स्पीड, लोवेस्ट स्पीड और शॉर्ट टाइम का इंतखाब करते हैं, लोवेस्ट स्पीड और शॉर्ट टाइम का इंतखाब करते हैं, तो याद रखिए फिर आपके पास हेवीएस्ट पार्टिकल या सेल का हेवीएस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, सेपरेट होगा। हेवीएस्ट फ्रैक्शन या पार्ट क्या होगा, सेपरेट होगा। और अगर लेट सपोज हमारे पास जो क्या है स्पीड है, हाई स्पीड और लॉन्गर टाइम होगा तो फिर आपके पास जो स्मॉल या माइन्यूट फ्रैक्शन या पार्ट होंगे सेल के और सेपरेट होंगे। आप थोड़ा इस को सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। याद रखें सेंट्रीफ्यूज जो सिंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है इसके अंदर हमारे पास दो बटन होते हैं, एक के ऊपर लिखा होता है आरपीएम जिसका मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, कि ये सेंट्रीफ्यूज लेट सपोज यहां से इसने स्टार्ट लिया यहां तक आकर दोबारा अपनी पोजीशन पर, ये एक रेवोल्यूशन इसका हो गया। अब ये एक मिनट में कितने बार क्या कर सकता है, अपने आप को इस सर्कल के अंदर रोटेट करता है, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। और एक टाइमर होता है कि ये रेवोल्यूशन
पर मिनट आप कितने टाइम के लिए कंटिन्यूस रखेंगे। आप अगर ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल हो गया कि अगर हम लोवेस्ट टाइम का इंतखाब करते हैं टाइमर से और आरपीएम यानी जो रिवॉल्यूशन होते हैं स्मॉल रिवॉल्यूशन या कम रिवॉल्यूशन हम रखते हैं, तो फिर स्टार्ट में सेल से कौन से पार्टिकल या जो टिश्यू वगैरह का हम इंतखाब कर लेते हैं उसकी कौन से फ्रैक्शन या पार्ट जुदा होंगे जो सबसे हेवी होंगे, जो सबसे हेवी होंगे या साइज में सबसे बड़े होंगे। और अगर हमारा स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई हो, ठीक है, और टाइम भी उसके साथ साथ ज़्यादा हो, तो फिर सबसे जो माइन्यूट और सबसे स्मॉल पार्टिकल होंगे वह आपके साथ सेपरेट होंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हम इंशाल्लाह जर्नल स्टेप में और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूज है जिसमें पार्टिकल ऑन द बेसिस डियर स्टूडेंट लेक्चर के दौरान मोबाइल नीचे गिर गया, दोबारा कनेक्ट किया उसको। चलो अपने लेक्चर को कंटिन्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही थी सेंट्रीफ्यूगेशन पर कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी साइज शेप विस्कोसिटी वगैरह अपने फ्रैक्शन अपने पार्ट्स को जुदा कर सकते हैं। अब जो दो बेसिक टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है हमारे पास जिसको जो साइटोलॉजी के अंदर हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, एक हमारे पास है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और एक है डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडिएंट। अच्छा आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन जो है ना और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन पर है। थोड़ा सा डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन को भी जानने की कोशिश करते हैं जो कि सेपरेशन जो हमारा सैंपल होगा उसमें सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, विन फ्रिक्शनेशन नेशन ऑफ आवर सैंपल इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अगर जिस सैंपल की हम सेपरेशन करना चाहे उसके अंदर मौजूद पार्टिकल की सेपरेशन करना चाहे ओ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हो तो उसको हम डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। अब यहां पर एक एग्जांपल की तरफ देखें। लेट सपोज हम ब्लड लेते हैं, ब्लड आप एक टेस्ट ट्यूब में लेट सपोज 5 मिलीलीटर ब्लड है आपके पास, 5 ml, ठीक है, 5 मिलीलीटर ब्लड। इस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब जो कि पहले से सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर फिट होते हैं, इसकी बनस्बत इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है ताकि इसके अंदर फिट आ जाए, रखते हैं और उसके बाद अपने रिवोल्यूशन RPM का इंतखाब करते हैं कि कितने रेवोल्यूशन हमने इसको देने हैं और कितना टाइम हमने देना है। यूजुअली जब थ्रू डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन हम ब्लड की मुख्तलिफ पार्टिकल या मुख्तलिफ फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड फ्रैक्शन जो कि RBC, WBC और प्लेटलेट से, और एक लिक्विड पोर्शन जो कि क्या है, प्लाज्मा है, अगर इसकी सेपरेशन हम करना चाहें तो टाइम 5 to 15 मिनट रखें और जो RPM है वो तकरीबन 2000 से 4000 यानी ये 1 मिनट में इतने टाइम जो है ना अपने आप को इस सर्कल के अंदर रोटेट कर लेता है। तो आफ्टर 5 to 10 मिनट आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रिक्शनेशन है वो इस फॉर्म में आएंगी। सबसे एंड पर आपके पास होगी RBC रेड ब्लड सेल, फिर WBC वाइट ब्लड सेल इसके थोड़ी ऊपर, फिर एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो कि बमुश्किल दिखाई देता है प्लेटलेट्स,
और सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा आपके पास, प्लाज्मा होगी। ये एक किस्म की इसकी फ्रिक्शनेशन हो गई, सेपरेशन हो गई। आज तो बहुत काल वगैरह आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गई, लेकिन खैर फिर से अपने लेक्चर की तरफ तवज्जो रखें। तो यहां पर हमने देखा कि ब्लड मुख्तलिफ फ्रैक्शन मुख्तलिफ पार्ट्स में सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो गई। इस तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हो, इसको हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होगी इसकी, इसको डिफाइन करते हैं व्हेन फ्रैक्शनेशन, शॉर्ट लिखते हैं, इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हमारी फ्रिक्शनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो, साइज हो, जो हमारा सैंपल होगा, जो हमारा मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, फ्लूइड होगा, अगर उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज जुदा कर लेते हैं, तो फिर ये कौन सी टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से एक डायग्राम को ड्रा किया है, इसके मुख्तलिफ स्टेप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा मैं सिर्फ इतना स्टेप्स। अब आपने याद रखना है, यहां पर मैं आपके सामने एक सवाल रखूं ताकि आप इस पोर्शन को समझ सकें कि हाउ वी कैन आइसोलेट एंड सेपरेट सेल ऑर्गेनेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल फ्रैक्शन या उसके पार्ट्स होते हैं उसको किस तरह एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने स्टेप नंबर वन में, लेट्स इसको स्टार लेते हैं, सबसे पहले हम अपने सैंपल का इंतखाब करें, अपने जो एक नमूना है उसका इंतखाब कर लेते हैं। आप अपना सैंपल को एनिमल सेल से भी ले सकते हैं, और इन केस अगर आप क्लोरोप्लास्ट वगैरह की सेपरेशन भी करना चाहे तो फिर आप किसी प्लांट टिश्यू सेल का इंतखाब करें। लेट सपोज हमने एक प्लांट टिश्यू सेल का इंतखाब किया, हमारा सैंपल हमने प्लांट सेल से इंतखाब किया। अब यहां पर जरा थोड़ा सा इस टिश्यू में देखें, लेट सपोज ये पूरा पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक टिश्यू है। अब ये टिश्यू दो बात यहां पर लिखते हैं, स्टार्ट में ये हमारे पास है सॉलिड फॉर्म में नजर आता है और दूसरा हेट्रोजीनियस फॉर्म में। ये मुख्तलिफ जो कलर आपको नजर आते हैं यहाँ पर, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये इंडिगो, वायलेट वगैरह, तो ये दिखाने का मेरा मतलब ये है टिकना कि टिश्यू आपके पास किस फॉर्म में है, हेट्रोजीनियस फॉर्म में है। हर एक पोर्शन का अपना एक अलहदा पहचान है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं। अच्छा, टिश्यू तो तकरीबन उसके अंदर सेल तो सेम होते हैं, लेकिन जो रीजन होते हैं मुख्तलिफ रीजन पर, ये किस फॉर्म में है, आपके पास हेट्रोजीनियस फॉर्म में है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ताकि आप सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर ले, सबसे पहले आप मिक्सचरिंग करेंगे। मिक्सचरिंग क्या मतलब, जो हेट्रोजीनियस टिश्यू आपने इंतखाब किया था इसको थ्रू स्टायरर, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्टायरर, स्टायरर की मदद से हम उसको आपस में मिक्स करेंगे। और मिक्सचर होने की वजह से, मैं यहां पर मिक्सचर का लफ्ज लिख दूं, आप ये जो कि पहले सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा था, अब ये फ्लूइड या किस फॉर्म में चेंज हो गया है, सोल्यूशन के फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। सोल्यूशन के फॉर्म में चेंज होने की वजह से आप इधर जरा इधर देखिए कि ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल पर तकसीम हो गया है, और आपको जो पहले
लेट सपोज ब्लू सिर्फ इस पोर्शन के अंदर था, आपको पूरे टेस्ट ट्यूब के नजर आते हैं मुख्तलिफ रीजन के अंदर, इस तरह रेड भी हर रीजन के अंदर, ब्लैक जो जितनी भी कलर है तो सब रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये हेट्रोजीनियस टिश्यू जो है ना, ये किस फॉर्म में आ गया, होमोजीनियस फॉर्म में, होमोजीनेट भी अब हम इसको कहते हैं, क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म हो गया, होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस टिश्यू सेल को हमने होमोजीनेट पर चेंज किया, किस चीज की मदद से, स्टायरर की मदद से। अब हम अपने असल प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को लेकर इस जो राउटर एरिया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको रखें, ठीक है। इसको सेंट्रीफ्यूज करने से पहले आप अपने प्रिंसिपल की तरफ आए कि दो चीजों का आपने इंतखाब करना होगा, स्पीड और टाइम का। जो स्टार्ट होगी स्टेप नंबर वन, यहां पर जो मैंने ये लिखा है, ये तो किस चीज के लिए था, होमोजीनेट बनाने के लिए। असल प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इधर से स्टार्ट होगा जब सेंट्रीफ्यूज मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा। तो स्टेप नंबर वन में हमने किस चीज का इंतखाब करना होगा, जो इनिशियल स्पन होगी हमारी, इनिशियल स्पन, यानी जो स्टार्ट में इनिशियल स्पन होगी, ये आपने याद रखना है कि ये लो स्पीड होगी। क्या होगी, लो स्पीड, ठीक है, लो स्पीड। कितना रखेंगे, याद रखिए 800 G, और आपका टाइम कितना होना चाहिए, 10 मिनट। ये 800 जो मैंने लिखा, ये आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट की तरफ इशारा कर रहा है, और 10 जो मैंने लिखा, ये आप टाइम का इंतखाब करेंगे कि ये रेवोल्यूशन या जो टेस्ट ट्यूब रोटेट कर रहे हैं इसका ड्यूरेशन कितने मिनट के लिए होगा, 10 मिनट के लिए होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा बहुत मालूमात आपको इस जी के बारे में दे दूं, जो स्टार्ट में क्या लिखा होता है जी हमारे पास, ये इसको टाइम ग्रेविटी भी हम कह सकते हैं, टाइम ग्रेविटी, क्या है, टाइम ग्रेविटी, या हम इसको क्या भी कह सकते हैं, ये यूनिट ऑफ आर सी एफ, यूनिट ऑफ आर सी एफ, ये आर सी एफ जिसको हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यूनिट को हम क्या कहते हैं, जी, विच इज स्टैंड फॉर टाइम ग्रेविटी, जो कि टाइम ग्रेविटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और अगर आप रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन करना चाहिए तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या आर सी एफ हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन टू बी अप्लाइड ऑन सैंपल, जो हमारा सैंपल होगा जितना ही एक्सेलरेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जितना रिवोल्यूशन के लिए हम इसका इंतखाब कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो टी फॉर टाइम ग्रेविटी, विच इज द यूनिट ऑफ आर सी एफ, और आर सी एफ क्या है, आर सी एफ मैंने आपको कहा अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन टू बी अप्लाइड टू द सैंपल, ठीक है। तो अब जब हम प्रिंसिपल नंबर वन में देखे, ठीक ना, तो लेवे स्पीड और शार्ट टाइम। अब यहां पर सेडिमेंटेशन होगी, जो कि मैंने आपको इधर सेटल डाउन, क्या मतलब हो गया, पहला जो कि होमोजिनेट था आपका सारा एक ही किस्म का टिश्यू कल्चर, हर पोर्शन के अंदर आप दो हिस्सों पर ये डिवाइड हो गई है, जो नीचे सेटल डाउन, जो नीचे तहनशीन हो जाती है, बैठ जाती है, सेडिमेंट कर लेती है अपने आप को, इसको हम क्या कहते हैं, पिलेट कहते हैं, सेडिमेंटेड पार्टिकल। और जो इसके ऊपर लिक्विड पोर्शन में पीरियड के ऊपर रह जाती है, इसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, सुपरनेटेंट, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि यहां पर हमने कहा कि पर जो हेवीएस्ट पार्टिकल होंगे वो लुईस स्पीड और शार्ट टाइम पर, ये हमारा लुईस स्पीड और शार्ट टाइम है, तो यहां पर जो पार्टिकल हमारे पास सेपरेट होंगे पहले स्पन पर। अब ये याद रखें कि यहां पर आपके पास हेवीएस्ट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल होल सेल टिश्यू से मुकम्मल होल सेल भी हम इस तरह जुदा कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होती है या न्यूक्लियाई, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा साइटोस्केलेटन जो होती है वो भी थ्रू लुईस स्पीड और शार्ट टाइम हम एक टिश्यू कल्चर या अपने संपर्क से सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये जो इस चीज का मैंने इंतखाब किया, ये रिजल्ट आप यहां पर लिखे हैं, ठीक है। होल सेल मुकम्मल सेल प्लस या न्यूक्लियाई न्यूक्लियस भी इस तरह हम जुदा कर सकते हैं, या साइटोस्केलेटन। अच्छा, अब हम जो सुपरनेटेंट हमारा रह गया था जो लिक्विड पोर्शन में अभी भी पीरियड के ऊपर सुपरनेटेड पोर्शन जो हमारा था, इसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करें। और आप इस दफा अपनी जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है या जो टाइम ग्रेविटी है, इसको आप 20,000 रखें, और टाइम भी थोड़ा ज्यादा करें 15 मिनट, ठीक है। तो सेकंड टाइम पर हमने थोड़ा हाई स्पीड रखा, ठीक है, पहले वाले की बनिस्बत। तो, और दोबारा हमने उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन पर एक दफा फिर से ये सुपरनेटेंट आपका दो हिस्सों पर तकसीम होगा, एक पेलेट जो कि सेडिमेंट हो जाती, जो कि सेटल डाउन डाउनमेंट कर लेती है टेस्ट ट्यूब के आखिरी हिस्से पर, और एक ऊपर वाला हिस्सा जो कि फिर से क्या होगा, सुपरनेटेंट लिक्विड पोर्शन जो कि पेलेट के ऊपर मौजूद होगा। आप इस दफा हम देखेंगे कि जो मॉडरेट सेल कंटेंट होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ओहो इस फ्रिक्शनेशन से या इस सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाएंगे। अब जो सुपरनेटेंट आपका था, अब तीसरी मरतबा थोड़ा हाई स्पीड, थोड़ा और अपनी स्पीड को बढ़ाए, लेट सपोज थर्ड फ्रैक्शनेशन पर जो है ना, हम अपनी स्पीड को 100,000 और टाइम ग्रेविटी रखते हैं जी, टाइम ग्रेविटी। और इस दफा जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो उसको 60 मिनट आप रखें, तो एक दफा फिर से वही प्रोसेस दोबारा रिपीट।